धान खरीदी केंद्रों में सूखत को लेकर राज्य शासन अब इस नए मुद्दे पर हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। समितियों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य शासन को 3 सप्ताह की मोहलत दी है। तब तक सुखद के नाम पर समितियों पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक रहेगी। बता दें कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद समितियों से तय समय पर धान संग्रहण केंद्र ना पहुंचने पर सुखद के बाद राज्य शासन समितियों पर कार्रवाई करती है। इसको लेकर 46 समिति प्रभारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि मार्केट के द्वारा तय समय पर धान का उठाव और ट्रांसपोर्टिंग नहीं कराया जाता, जिसके चलते धान में सूखत की वजह से उसका वजन घट जाता है। इसकी रिकवरी समितियों से की जाती है। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की रिपोर्ट में कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य शासन और मार्केट के अफसरों से पूछा है कि सूखत का क्या मापदंड है। मार्केट के MD ने शपथ पत्र के साथ कोर्ट को जानकारी दी कि इस तरह का कोई भी मापदंड तय नहीं किया गया है।